Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आठ अक्टूबर 2005 के कयामत के जलजिले में जाँबहक अफराद की याद में तकारीर, आजाद कश्मीर में 8:52 पर 1 मिनट की खामोशी, शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, मारगला टावर इस्लामाबाद में भी शहदा के लिए फातिहा ख्वानी, आजाद कश्मीर में 12 बरस बाद भी जलजिले से तबाहशुदा इमारतों की तामीरें नौ ना हो सकी। कुदरती आफात से बचाव के लिए आगही का दिन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाफिजाबाद के तहत दुआया तकरीब, 8 अक्टूबर के शहदा के लिए दुआ की गई। आईएसआई के साबिक सरबराह और सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली, कल ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। रिटायरमेंट का फैसला भारी दिल मगर इत्मीनान के साथ कर रहा हूँ, रिटायरमेंट पर मफरूजों से गुरेज किया जाए, वजूहत जाती है लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर के इस्तीफे का वतन, बेहतर रहनुमाई पर सीनियर्स और साथियों का शुक्रिया अदा किया गया। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की पाकिस्तान वापसी मुलतवी, दोनों ने आज इस्लामाबाद पहुंचना था, अब कल वतन वापस पहुंचेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रॉबी सेंटर के करीब एक शख्स पर चाकू से हमले की कोशिश, मुलजिम सुर्ख मोटरसाइकिल पर फरार हो गया, हमलावर के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज। साबिक अमरीकी सदूर शिमाली कोरिया से मुजाकिरात करते रहे लेकिन वायदों की सियासी सुख ने कबल ही खिलाफ वर्जी की गई और कोई नतीजा नहीं निकला, शिमाली कोरिया पर एक ही चीज कारगर होगी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट।